ओके दोस्तों, तब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो मास 2m का ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, एक के ऊपर दूसरा, दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन जो है वो हमारा नहीं है, ठीक है। यहां पे एक मास m जो है वो इस तरफ से कोलाइड कर रहा है नीचे वाले ब्लॉक के साथ, ठीक है। ये वाला कोलिजन को हेड ऑन मानना है और स्पीड जो है वो है v नॉट। यहां पर स्प्रिंग जैसे लगा हुआ है वो k है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो कंडीशन क्या है जो कि ए बी के ऊपर से टॉपल कर जाए? दोस्तों इसमें कुछ भी समझने के पहले टॉपल करने का कंडीशन देख लो। देखो ये है ए का सेंटर ऑफ मास, ये ए का सेंटर ऑफ मास है। अगर ये सेंटर ऑफ मास बी के लेफ्ट में चला जाए, बी के ये लेफ्ट एज है उससे भी ज्यादा लेफ्ट पे चला जाए, जैसे ये थोड़ा सा भी लेफ्ट पे जाएगा, देन ए विल टॉपल। अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये बात में समझ में आएगा जब हम रोटेशन चैप्टर में जाएंगे। ये अभी राइट नाउ मान लो टॉपलिंग तब होगी जब ए का सेंटर ऑफ मास बी के हमारा जो लेफ्ट एज है उससे भी ज्यादा अगर हमारा लेफ्ट पे हो जाए तो इन दैट केस ब्लॉक जो है वो हमारा टॉपल कर जाएगा, ठीक है। नाउ अब जब ये वाला कलिशन होगा तो ध्यान देना, ये ऊपर का 2m यहां पर स्मूथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर का 2m का नीचे का 2m पर कोई इफेक्ट नहीं है। मैं नाम दे दे रहा हूं क्योंकि यहां का फ्रिक्शन एक फाइनाइट फोर्स है, अगर होता भी तो चलो यहां पर स्मूथ है वो जीरो है, लेकिन अगर फ्रिक्शन होता भी तो वो एक फाइनाइट फोर्स होता। तो सिंपल सी बात है, ए हैज नथिंग टू डू, ए हैज नथिंग टू डू विथ द फर्स्ट कलिशन एज फ्रिक्शन कैन नॉट प्रोवाइड एनी इंपल्स ड्यूरिंग मोशन ड्यूरिंग कलिशन। एंड सेम फॉर द स्प्रिंग टू, ऑब्वियसली स्प्रिंग के लिए भी सेम बात है, स्प्रिंग भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा सकता है। तो सेम कैन बी सेड अबाउट स्प्रिंग, सेम कैन बी सेड अबाउट स्प्रिंग, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास एक बी है, हमारे पास एक बी है जिसका मास है 2m, उसके साथ एक मास m जो है वो हमारा हेड ऑन कलिशन कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के साथ। तो आफ्टर कलिशन ये v1 के साथ जाएगा और ये हमारा v2 के साथ जाएगा, मान लो सिंपल सा इतना ही हो रहा है। बाकी जो ऊपर का ब्लॉक और स्प्रिंग है वो एट दिस इंस्टेंट ऑफ कलिशन कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है, क्योंकि दोनों का ही कलिशन के दौरान इंपल्स जो होगा वो हमारा डेफिनेटली जीरो होगा। हाँ यहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, दैट्स वेल एंड गुड, फ्रिक्शन नहीं है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर कहीं और होता भी तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए। ओके राइट, सो सिंपली लेट्स सॉल्व। मैं राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया हूं,
तो स्मॉल m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू 2m इंटू वी वन प्लस स्मॉल m इंटू वी टू, एम 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 कैंसल्ड, सो वी नॉट इक्वल्स टू 2v1 प्लस वी टू. ये फर्स्ट कंडीशन है. एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दैट इज इक्वल्स टू 1. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, दैट कैन बी रिटन एज v1 माइनस v2 बाय v0. सो द सेकेंड इक्वेशन वी गेट इज v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल्स टू v0. एंड अब इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा. तो इन दोनों को ऐड करने पे v2 तो खत्म हो जाएगा, मुझे एनीहाउ नहीं चाहिए. सो 3v1 इज इक्वल्स टू 2v0. सो v1 इक्वल्स टू 2v0 बाई 3. ये आ जाएगा मेरे पास v1 का वैल्यू. एंड ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ अब मेरा बी मूव करना चालू करेगा. एंड ऑब्वियस बात है, टॉपल करने के लिए, टॉपल करने को ए में ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ए तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा. तो ए अपनी जगह पर बैठा हुआ है, बी जो है वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कॉम्प्रेशन देगा और वो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऐसे होना चाहिए जो कि ए का सेंटर ऑफ मास जस्ट बी का लेफ्ट वाले एज पे हो जाना चाहिए. नाउ द ए विल टॉपल, सो दिस इज एल, तो स्प्रिंग में भी कॉम्प्रेशन, एल नॉट, तो स्प्रिंग में भी जो कॉम्प्रेशन होना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल्स टू एल नॉट, राइट. सो सिंपली मैं एक चीज बोल सकता हूं, हाफ के एल नॉट स्क्वायर, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू 2m इंटू v1 स्क्वायर बाय 9. सो सिंपली मेरे पास क्या आएगा, हाफ ऑफ गॉन, ठीक है. एंड नाउ v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3kl0 स्क्वायर बाय 8m, ये मेरे पास आ जाएगा. सो v0 will be simply equals to 3L0 by under root K by 8M. So, this is the minimum velocity जिसमें exactly वो यहां पर topple कर जाए. इसे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, exactly ये वाला condition में topple नहीं करेगा, इससे हल्का सा ज्यादा velocity definitely A जो है वो हमारा topple कर जाएगा over B. मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, राइट. अब एक एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन देखो, क्या है वो वाला क्वेश्चन, देखो क्या है, मुझे यहां पे दो ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पे है ए, यहां पर है बी, ठीक है. इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू दैट इज इक्वल्स टू 0.3. इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.3, ठीक है. ये लेंथ जो है वो है एल. नाउ यहां पर एक तीसरा ब्लॉक है सी जिसका भी लेंथ है एल. अच्छा बाय द वे तीनों का मास जो है वो एम 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 है, ठीक है. ये सी इस तरफ वेलोसिटी वी नॉट से आ रहा है, ठीक है, समझ में. अच्छा यहां पे ग्राउंड भी रफ है,
यहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जस्ट बिफोर कलिजन ये बिल्कुल आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, तो जस्ट बिफोर कलिजन सी हैज अ वेलोसिटी 6 meters per second। सिक्स हैड अ वेलोसिटी सी हैड अ वेलोसिटी ऑफ 6 meters per second, ठीक है, टू द राइट, कलिजन के जस्ट पहले, राइट। बी एंड सी स्टिक टुगेदर आफ्टर कलिजन एंड फाइनली ये सिनेरियो ये है, फाइनली सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बनता है, सी बी फाइनली इस प्रकार का सिनेरियो बनता है समथिंग लाइक दिस, और जहां पर ये स्टॉप हो जाता है। सब कुछ जहां पर स्टॉप होता है वहां पर एग्जैक्टली ये सिनेरियो बनता है। तो सवाल ये है, फाइंड एल, एल कितना है जो कि आफ्टर कलिजन फाइनली जब तीनों पार्टिकल स्टॉप होगा उस टाइम पे ये एक्सीलरेशन हमारा बन जाए, मतलब ये सिचुएशन हमारा बन जाए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो बात है, बी और सी के कलिजन में ए और ग्राउंड कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बी और सी के कलिजन में, क्योंकि ग्राउंड और ए और बी के बीच का फ्रिक्शन जो भी है, ठीक है, वो सारे के सारे फाइनाइट फोर्सेस है, उनका इंपल्स जीरो है, तो सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट ऑफ ग्राउंड एंड ए, नो इफेक्ट ऑफ ग्राउंड एंड ए ऑन द कलिजन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का कलिजन पे ए का और ग्राउंड का कोई इफेक्ट डेफिनेटली नहीं होगा, पहले ये बात को हमें समझनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, सी इस तरफ अगर कलिजन के इंस्टेंट में 6 meters per second है और बी हमारा स्टेशनरी है, बी हमारा अगर स्टेशनरी है तो सिंपल सी बात है, आफ्टर कलिजन ये दोनों जब साथ में स्टिक कर जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कंबाइंड बॉडी मेरा इस तरफ 3 meters per second से आगे बढ़ना चालू करेगा। ठीक है, एंड जैसे ही ये कंबाइंड बॉडी 3 meters per second से काम करना चालू करेगा तो ध्यान देना, यहां पर और यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन will get activated right। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर यहां पर आके एक्टिवेट हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन, ध्यान देना, यहां पर नीचे की तरफ अगर मैं ध्यान दूं ये पूरा सिस्टम, यहां पर नॉर्मल कितना होगा 3 mg, तो ये वाला जो पूरा चीज है इसका रिटार्डेशन जो होगा इन दोनों का सिस्टम के बारे में अगर मैं देखूं
यहां का फ्रिक्शन फोर्स जो होगा F1, that will be equals to mu into 3mg. और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा that is will be equals to mu into mg. ये सिनेरियो है. और A के बारे में अगर हम बातचीत करें तो A के ऊपर तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू F2, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg. सो सिंपल सी बात है, इसका जो रिटार्डेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका मास जो है दैट इज इक्वल्स टू 2m, तो नेट फ्रिक्शन फोर्स 4 म्यू mg दैट डिवाइडेड बाय 2m That is equals to 2 mu g. ये इसका रिटार्डेशन है. और A का जो एक्सिलरेशन है that is simply equals to mu g. A का फॉरवर्ड एक्सिलरेशन ये है, B का जो रिटार्डेशन है वो है mu mg. एंड फाइनली जब स्टॉप हो जाएगा तो पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा जो व्हाट हैपेंस जब बी और सी स्टॉप हो, क्योंकि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो कि दोनों हमारा सब कुछ साइमल्टेनियसली स्टॉप हो. हो सकता है बी और सी का कंबाइंड बॉडी हमारा स्टॉप हो जाए बट ए तब तक वहां पर पहुंच ही ना पाए. ठीक है, हाँ, हम यहां पर कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जो तीनों बॉडी हमारा साइमल्टेनियसली स्टॉप हो रहा है, ये एक कंडीशन हम क्रिएट कर सकते हैं. तो ये वाला कंडीशन को अगर हम क्रिएट करते हैं देन व्हाट विल हैपन. अरे दोस्तों ध्यान देना, क्या है यहां पर, ए का अल्टीमेटली जो बी और सी के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा एल इन द ए जो है. ध्यान देना, अल्टीमेटली बी और सी के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में एल से डिस्प्लेस हुआ है इन द फ्रेम ऑफ बी एंड सी. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल ही अलग चीज हुआ है. ठीक है, अच्छा बी एंड सी स्टॉप कब होगा, बी एंड सी स्टॉप्स एट टी इक्वल्स टू टी नॉट. मान लो तो मैं क्या लिखूंगा, 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v, वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड. एंड रिटार्डेशन 2 म्यू जी, 2 म्यू जी का वैल्यू कितना है, म्यू जो है वो है हमारा 0.3, तो रिटार्डेशन है इसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 3 माइनस 6 इंटू टी नॉट, सो टी नॉट जो है वो है 3 माइनस 6 × 10⁻³. ठीक है, ओके, ठीक है. अब ए के बारे में अगर मैं देखूं बट ए का तो तब तक भी एक वेलोसिटी डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट ए फाइनली यहां पर आके स्टॉप हो जाना चाहिए. तो सिनेरियो क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सोचो दोस्तों, गौर से समझना, सोचना. एक बात मानते हो या नहीं, फाइनली जो होगा वो है कोई एक इंस्टेंट पे ए बी सी तीनों का वेलोसिटी इक्वल होगा, वहां पे ऊपर वाला फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और जहां पर वो कॉमन वेलोसिटी आएगा उसके बाद तीनों एक कंबाइंड मास के तहत ये अब आगे की तरह मूव करेगा और वहां पे ए बी और सी
उन तीनों का रिलेटिव पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं जो ये वाला जो एनालिसिस होगा वो तब तक होगा जब तक हमारा ए बी और सी तीनों का वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। बस एक बार हमें तीनों का वेलोसिटी इक्वल कर देना है, ऊपर वाला फ्रिक्शन मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और तीनों बॉडी एक कंबाइंड मास की तरह मूव करेगा, तो बी और सी हमारा स्टॉप हो, यहां पे स्टॉप होगा वो भार में जाए। बट ये एनालिसिस मैं कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि उससे पहले ही ऊपर का जो हमारा फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू को छोड़ते हुए कोई एक स्टैटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हुआ है। सो इसका जो लिमिटिंग कंडीशन है वो ये है, फाइनली ए बी सी मूव्स विथ कॉमन वेलोसिटी। फाइनली ए बी और सी जो है वो हमारा कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए, ठीक है। सो कॉमन वेलोसिटी कितना होगा? अच्छा ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है कोई भी जनरल टाइम में वेलोसिटी ऑफ बी सी विल बी 3 - 60 और वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू सिंपली कितना आ जाएगा 3t। Therefore 3 - 60 दैट इज इक्वल्स टू 3t, तो t इज इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड, ठीक है। 1/3 सेकेंड में इनमें रिलेटिव स्लिपिंग तो बंद हो जाएगी। अच्छा t इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ bc कितना होगा? That is equals to 3 × 1/3 - ½ × 6 × t² meter. 1 - 1/3 meter. That is equals to 2/3 meter. और जो हमारा A का displacement होगा, that will be equals to 1/2 × 3 × t² u तो इसका 0 है, a इसका 3 है, तो what I get is 9 1/6 meter. This is 1/6 meter, ऐसे। तो simply मेरे पास जो आना चाहिए ये condition create होने के लिए, ध्यान देना, SBC minus SA must be equals to L. तभी तो L A जो है वो B से उठा के C पे आ जाना चाहिए। सो so, L का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली 2/3 - 1/6, यहां पे 6 × 4 = 3, 3/6 दैट इज 1/2 meter। सो so, L हमारा 1/2 meter होना चाहिए जिससे कि हमारा यहां पर फाइनली इस पोजीशन में आके स्टॉप हो। हाँ, एक बार ये पोजीशन बन जाए उसके बाद बी और सी धीरे 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 आगे जाके कभी ना कभी स्टॉप होगा। मतलब इस पोजीशन में अगर कॉमन वेलोसिटी एक्वायर हो गया उसके बाद फिर और रिलेटिव पोजीशनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, इवेंचुअली ये पूरा तीनों साथ में मूव करते हुए वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये एनालिसिस हमें समझ में आया होगा, ठीक है। सो इस प्रोफाइल का सवाल जहां पर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और मैं कोई कलिजन करवा रहा हूं तो वहां पर कब इफेक्ट पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा इफेक्ट किसका, वो डेफिनेटली हमें पहले समझना पड़ेगा, ओके?